Hello and welcome to 30 May 30, the daily dose of V-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. Ek aisa show jahan khabre hongi fatafat, yani ek ke baad ek 30 khabre. To intezaar kis baat ka hai? Let's take a look. 30 khabre fatafat. सलमान खान ने अपनी बहन अर्पिता खान का बेबी शावर इवेंट रखा मुंबई के एक होटल में। सलमान खान की फैमिली की इस खुशी में शामिल होने के लिए बॉलीवुड से पहुंचे कई सारे बीटाउन स्टार्स, संगीता बिजलानी, कबीर खान, रितेश देशमुख विद वाइफ जिनेलिया डिसूजा, शिल्पा शेट्टी विद हर हस्बैंड राज कुंद्रा, अनुष्का शर्मा, एलिया विराम, पुलकित सम्राट, स्नेहा उलाल जैसे सितारे नजर आए यहां। इस मौके पर खान फैमिली ने एक फैमिली फोटो भी करवाई क्लिक। सलमान खान माने जाते हैं यारों के यार, साथ ही एक परफेक्ट होस्ट के रूप में भी है उनकी पहचान। अपनी बहन अर्पिता के बेबी शावर के दौरान सलमान ने न सिर्फ मेहमानों का ध्यान रखा बल्कि कवर करने आई मीडिया का भी रखा भाईजान ध्यान। जी हां, खुद सलमान अपने बॉडीगार्ड के साथ स्वीट्स लेकर आए और घंटों से बाहर खड़े मीडिया वालों को बांटी स्वीट्स। अर्पिता की बीबी शावर में सलमान और संगीता बिजलानी की बॉन्डिंग बन गई है सबसे बड़ी हाईलाइट। संगीता को कार तक छोड़ने आए सलमान खान बार बार एक साथ चल रहे थे दोनों। देखिए कैसे बिना किसी की परवाह किए सलमान संगीता के साथ होटल से बाहर आए हैं। अर्पिता के बेबी शावर में पूरे खान फैमिली ने खिंचाई एक फैमिली फोटो, पर इस फोटो में तीन शख्स की कमी सबको नजर आई। अरबाज, मलाइका और सोहेल की पत्नी सीमा इस पिक्चर में नहीं नजर आए। इनफैक्ट ये तीनों इस फोटो में ही नहीं बल्कि इस बेबी शावर में भी दिखाई नहीं दिए। यानी साफ है अरबाज, मलाइका और सोहेल सीमा के बीच अनबन की जिस तरह की खबरें आ रही हैं उनमें इनकी यहां गैर मौजूदगी ने कहीं ना कहीं कंफर्मेशन का थप्पा लगा दिया है। आजकल हर जगह सलमान और कटरीना की बढ़ती नजदीकियों की खबरें आ रही हैं, पर अर्पिता के बेबी शावर में नहीं दिखी कटरीना कैफ। मुंबई में होने के बावजूद इस इवेंट में नहीं आई कटरीना। खबर है कि कैट को इनविटेशन भी दिया गया था, बावजूद इसके कैट नहीं आई। लगता है जानबूझकर कैट ने इस इवेंट को किया स्किप, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर वो इस बेबी शावर में चली गई तो फिर सलमान और उनके बीच जो नजदीकियों की खबरें आ रही हैं उनको लग जाएंगे पंख और शायद इसी वजह से कैट यहां नहीं आई। आदित्य रॉय कपूर और कटरीना कैफ पहुंचे मुंबई में हो रहे काला घोड़ा फेस्टिवल के समापन पर। कटरीना और आदित्य दोनों ने यहाँ की जमकर मस्ती और साथ ही दिए टिप्स कि प्यार को कैसे रखे संभाल कर। But be expressive, like make the woman whoever you like or your girl, make her feel special. Basically, you know? She wants gifts. Yeah, no, just like a hug. Like a... Katrina wants a hug. You jealous people. Later on the show, Aamir aur Kangna Ranaut ka private dinner. These khabre fatafat. सोनम कपूर स्टारर नीरजा धीरे धीरे बॉलीवुड हस्तियों को कर रही है इम्प्रेस। जो भी इस फिल्म को देखकर बाहर निकल रहा है उसकी आंखों से या तो आंसू बाहर निकल रहे हैं या वो हो गया है स्पीचलेस। मुंबई में रखी गई इस फिल्म की स्क्रीनिंग में दिखाई दिए राकेश ओम प्रकाश मेहरा, राजकुमार राव और जोया अख्तर, और ये सभी नीरजा की तारीफ करने से नहीं थक रहे थे। एक तो फिल्म का सब्जेक्ट रियल लाइफ हीरो को लेकर और एक ऐसा हीरो जिसको ना सिर्फ पूरे मतलब हिंदुस्तानियों को उस पर गर्व है बल्कि पूरी दुनिया को एक मिसाल है वो। उसके ऊपर इसमें जन्म लेते हैं, एक नए डायरेक्टर का जन्म है राम अडवाणी का। तो जब कोई नया डायरेक्टर आता है और
फैमिली में जुड़ता है तो बहुत अच्छा लगता है. बहुत प्रॉमिसिंग डायरेक्टर हैं उनका, उनके से मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है. लव द ट्रेलर एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द फिल्म. आई रियली आई एम अ बिग फैन ऑफ राम अडवाणी. आई लव्ड हिज फर्स्ट फिल्म लेट्स टॉक एंड आई लव हिज वर्क, हिज कमर्शियल वर्क इज वेल. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हिज वर्क एंड द ट्रेलर लुक्स अमेजिंग एंड ही शॉट इट इन अ पर्टिकुलर वे. सो आई एम रियली क्यूरियस टू सी द क्राफ्ट. And I'm excited for Sonam and for Shabana. No, of course, research material available होता है तो आप उस पर काम करते हैं. पर चूँकि आप एक एक्टर हैं, आप उसको फिर से रिक्रिएट कर रहे हैं तो बहुत सारी आपकी अपनी इमेजिनेशन भी होती है उस कैरेक्टर के लिए. बट ऑफ कोर्स एक गिवन सर्कमस्टांसेज होते हैं, या तो उनकी फैमिली होती है या अगर वो खुद हैं तो आप उनसे बात करते हैं. व्हाटएवर यू कैन लर्न अबाउट द पर्सन यू डू दैट. तीस खबरें फटाफट. मुंबई में हुई मैराथन और इस मैराथन में सनी देओल और विवेक ओबरॉय आने वाले थे नजर, पर लास्ट मिनट पर ना तो सनी और ना ही विवेक ओबरॉय पहुंचे इस मैराथन में. विवेक और सनी की कमी यहां सबको अखरी, पर मैराथन में हिस्सा लेने आए लोगों का हौसला वाकई में देखते बनता था. 30 खबरें फटाफट. अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन आजकल मीडिया के साथ खेल रहे हैं हाइड एंड सीक का गेम. मिर्ज़िया के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हर्ष पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो मीडिया के कैमरा में ना हो पाए कैप्चर, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है. अपनी बहन सोनम कपूर की फिल्म नीरजा की स्क्रीनिंग में हर्षवर्धन आए तो ऐसी ड्रेस पहनकर कि कोई उन्हें ना देख पाए, पर ऐसा हुआ नहीं. मीडिया ने उन्हें कैप्चर कर ही लिया. खबरें फटाफट. एकता कपूर को आजकल याद आ गए हैं भगवान. एकता कपूर कितनी सुपरस्टिशियस हैं ये तो किसी से छुपा नहीं है, और हर काम को वो करती हैं मुहूर्त के हिसाब से. हाल ही में रिलीज हुई फिल्म क्या कूल है हम 3 के बॉक्स ऑफिस पर पिट जाने से एकता है काफी डिसअपॉइंटेड. एडल्ट कॉमेडी के नाम पर बेचने पर भी इस फिल्म को नहीं मिले ऑडियंस, और शायद इसीलिए रात के अंधेरे में एकता पहुंच गए मुंबई के मंदिर भगवान की पूजा करने. 30 खबरें फटाफट. ये है सलमान खान की बहन अर्पिता खान के बेबी शावर के इनसाइड पिक्चर्स, जिसमें सलमान के साथ अर्पिता नजर आ रही हैं. अर्पिता के बेबी शावर को काफी ग्रैंड लेवल पर सेलिब्रेट किया गया है. ये देखिए अर्पिता के बेबी शावर की ये है सबसे क्यूटेस्ट पिक्चर, जिसमें अर्पिता के साथ जिनीलिया और कांची कॉल भी अपने बेबी बम के साथ पोज कर रही है. और इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सलमान के पीछे अनुष्का शर्मा भी नजर आएंगी, जो अर्पिता को विशेस देने के लिए उनके बेबी शावर में पहुंची थी. 30 खबरें फटाफट. फिल्म रईस की शूटिंग के दौरान एसआरके की कार पर किया गया पथराव. दरअसल शाहरुख खान अपनी फिल्म रईस की शूटिंग के लिए गुजरात गए हुए थे, जहां उनकी कार पर एक पॉलिटिकल पार्टी ने उनकी कार पर पत्थरबाजी कर दी. गनीमत ये थी कि उस समय शाहरुख खान अपनी कार में मौजूद नहीं थे. द एक्टिविस्ट प्रोटेस्टेड आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ऑफिस एंड इवन शाउटेड स्लोगन्स. 30 खबरें फटाफट. वैलेंटाइंस डे पर असिन को मिला अपने हबी राहुल शर्मा की तरफ से एक स्वीट सरप्राइज. शादी के बाद पहले वैलेंटाइंस डे को खूबसूरत बनाने के लिए राहुल शर्मा ने अपने पूरे घर को पैलेस की तरह सजा दिया खूबसूरत कैंडल्स, डेकोरेटिव लाइट और रेड रोजेस के साथ. राहुल ने हर चीज को बना दिया था परफेक्ट. राहुल के सरप्राइज के बारे में असिन को कोई जानकारी नहीं थी. राहुल ने ये सभी तैयारियां खुद की थी. 30 खबरें फटाफट. फरहान अख्तर और अर्धुना के सेपरेशन के बाद भी अर्धुना और फरहान की फैमिली के बीच सब है ऑल इज वेल, और इसका पता चला है फिल्म नीरजा की स्क्रीनिंग के दौरान, जहां अर्धुना को स्पॉट किया गया शबाना आजमी के साथ. शबाना के साथ अर्धुना यहां काफी कंफर्टेबल दिख रही थी. इन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि फरहान से अर्धुना के अलग होने के बाद इनके बीच कोई कड़वाहट आई है. 30 खबरें फटाफट. कटरीना कैफ नहीं गई सलमान खान के साथ लॉन्ग ड्राइव पर, और ऐसा कहना है कटरीना के स्पोक्स पर्सन का. कटरीना का जब से रणबीर के साथ ब्रेकअप हुआ है उनकी और सलमान की बॉन्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग हो गई है. ऐसे में खबर आई है कि सलमान के साथ कटरीना लॉन्ग ड्राइव पर गई हैं, और अब कटरीना के स्पोक्स पर्सन का कहना है कि ये खबर बिल्कुल झूठ है और बेबुनियाद है. 30 खबरें फटाफट.
कंगना रनौत और आमिर खान को स्पॉट किया गया प्राइवेट डिनर पर जाते हुए। आमिर कंगना वर क्लिक्ट एट अ प्राइवेट डिनर विच वॉज होस्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन मुंबई। आमिर और कंगना मेक इन इंडिया कैंपेन के लिए रखे गए इवेंट को अटेंड करने पहुंचे थे। इन पिक्चर्स में आमिर ब्लैक पठानी कुर्ता में नजर आ रहे हैं, जबकि कंगना वेस्टर्न आउटफिट में दिख रही हैं। तीस खबरें फटाफट। यह सलमान और अनुष्का शर्मा की लेटेस्ट पिक्चर जो सुल्तान के सेट पर ली गई है। ये पिक्चर फिल्म सुल्तान के सोशल हैंडल पर अपलोड की गई है, साथ में कुछ ये भी लिखा गया है। हरियाणा का शेर और हरियाणा की शान का गाना इश्क है टक्कर का। दिस वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट द लव ऑफ इक्वल्स। ड्रेस्ड इन ब्लू ट्रैक सूट्स, बोथ अनुष्का AKA शेर एंड सलमान AKA सुल्तान आर सीन पोजिंग लविंगली इन द पिक्चर। खबरें फटाफट। वैलेंटाइंस डे को लेकर क्या सोचते हैं आदित्य रॉय कपूर? इस स्पेशल डे को अपनी समवन स्पेशल के साथ कैसे सेलिब्रेट करते हैं आदित्य? वेल, एक रीसेंट इंटरव्यू के दौरान आदित्य रॉय कपूर ने वैलेंटाइंस डे को लेकर कुछ ये कहा। दिस वैलेंटाइंस डे इज नॉट अबाउट एनी गर्ल एंड जस्ट अबाउट फितूर। वेल, आदित्य की बातों से तो यही लगता है कि वो अपनी फिल्म को प्रमोट करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। तीस खबरें फटाफट। फिल्म की एंड का में करीना अर्जुन की केमिस्ट्री की चर्चा आजकल हर जगह हो रही है और रिसेंटली फिल्म के मेकर्स ने रिवील किया फिल्म का न्यू पोस्टर, जिसमें करीना और अर्जुन किस करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म में करीना और अर्जुन एक मैरिड कपल का रोल प्ले कर रहे हैं, साथ ही करीना एक वर्किंग वुमन के किरदार में दिखेंगी। तीस खबरें फटाफट। सलमान खान ने कटरीना कैफ को बुलाया मजदूर। वेल यस, पुणे में एक इवेंट पर पहुंचे सलमान खान ने कटरीना के हार्ड वर्क को प्रेस करने के लिए उन्हें मजदूर बुलाया, और जब इस बारे में कटरीना से पूछा गया तो उनका कुछ ये कहना था। He also said that you are much like a मजदूर। Like a worker. Like a, I think he meant that as a compliment, no? Yeah, I think he meant it in the most positive way. Where you can have talent, but you have to work along with that talent to become someone. So that means that she respects the talent that she has, I guess. Hai na? Absolutely. I think if my co-stars find and feel that I'm a good worker and a hard worker, that's good. Because you know, there's so much writing. In all seriousness, there's so much writing on a film. You know, everyone puts so much of their life, of their hard work, money. The most you can do is give your best. Give all the work, put in as hard work with your full heart, work as much as you can, then leave it up to God. These khabrein fatafat. Coming up on the show, Sonakshi, Big B aur Aamir ek hadse mein baal baal bache. These khabrein fatafat. रणबीर कपूर ने रिसेंटली करण जौहर के साथ की जमकर पार्टी। करण की इस पार्टी में रणबीर के अलावा कोई और नजर नहीं आया। इस पार्टी से बाहर आते वक्त करण और रणबीर को शतबक्स ने अपने कैमरा में कैप्चर किया। वैसे सोर्सेस की माने तो करण और रणबीर की ये पार्टी फिल्म ए दिल है मुश्किल के नेक्स्ट शेड्यूल से भी जुड़ी हुई थी। तीस खबरें फटाफट। बॉलीवुड गलियारों में जहां अरबाज मलाइका के सेपरेशन की न्यूज हेडलाइंस बना रही हैं, वहीं अब मलाइका ने एक इंटरेस्टिंग पिक्चर सोशल मीडिया पर शेयर की है। इस हार्ट शेप वाटर बॉडी की पिक्चर्स मलाइका ने वैलेंटाइंस डे के दिन शेयर की हैं। वैसे तो अब तक मलाइका ने अपने सेपरेशन की न्यूज पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन अरबाज ने जरूर सोशल मीडिया के थ्रू ही अपने सेपरेशन की न्यूज को गलत बताया है। वी जस्ट होप कि यह हार्ट शेप पिक्चर्स अरबाज और मलाइका के साथ आने का एक इशारा हो। तीस खबरें फटाफट। सलमान खान की फिल्म सुल्तान को लेकर सोशल मीडिया पर जोरदार बज बना हुआ है।
और अब अली अब्बास जफर ने सलमान की एक शर्टलेस पिक्चर सोशल मीडिया पर शेयर की है जो रातों रात वायरल हो गई है। सलमान की पिक्चर उनके ट्रेनिंग सेशन की है और इस पिक्चर को शेयर करते हुए अली अब्बास जफर ने लिखा है, ट्रेनिंग सेशन एट सुल्तान द मूवी आइस ऑफ फायर। खबरें फटाफट। दीपिका के साथ यूएसए वैलेंटाइन डे मनाने गए एक्टर रणवीर सिंह टाइम निकालकर एनबीए का एक मैच देखने पहुंचे और रणवीर ने यहां पहुंचकर ढेर सारी पिक्चर सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। रणवीर ने इस पिक्चर्स को शेयर करते हुए लिखा, All right, homies, I am in Toronto heading for the big game. Are you with me? #NBAAllStarWithRanveer. The eagle has landed at the Air Canada Centre. What a glorious evening it's gonna be. रणवीर ने इस इवेंट की ढेर सारी पिक्चर्स अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू शेयर की हैं। तीस खबरें फटाफट। ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल की रिलीज डेट 26 जनवरी 2017 फाइनल तो कर दी गई है, लेकिन सोर्सेस की माने तो फिल्म मोहनजोदड़ो के सेट पर हुई इंजरी की वजह से ऋतिक बेड रेस्ट कर रहे हैं और फिलहाल कुछ समय तक वो शूटिंग नहीं करने वाले हैं। ऐसे में हो सकता है कि काबिल के मेकर्स को अपनी फिल्म की रिलीज डेट पुश करनी पड़े, क्योंकि ऋतिक मोहनजोदड़ो की शूटिंग कम्प्लीट करके ही काबिल पर काम शुरू करेंगे। तीस खबरें फटाफट। सोर्सेस की माने तो कटरीना कैफ से ब्रेकअप के बाद रणबीर कपूर को अकेले रहना नहीं है पसंद। सोर्सेस की माने तो रणबीर हर वक्त अपने किसी न किसी दोस्त के साथ ही रहते हैं। सोर्सेस की माने तो रणबीर कपूर खुद को पूरी तरह से बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो कटरीना से हुए ब्रेकअप के बारे में ना सोचे। साफ है कैट और रणबीर दोनों के लिए ही ये ब्रेकअप आसान साबित नहीं हुआ है। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा आजकल अपने इंटरनेशनल टेलीविजन सीरीज की शूटिंग कर रही हैं। और प्रियंका ने अपने शो की टीम के साथ एक पिक्चर जारी किया है जिसमें प्रियंका शो के लीड एक्टर्स के साथ नजर आ रही हैं। तीस खबरें फटाफट। कल रात मेक इन इंडिया इवेंट के दौरान हुआ बड़ा हादसा। जी हां, इस इवेंट पर बॉलीवुड सेलिब्रिटी की परफॉर्मेंस से ठीक पहले भयंकर आग लग गई। सोनाक्षी सिन्हा ने इस फायर को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा, सीइंग द फायर ब्रेक आउट फ्रॉम सो अप क्लोज एट मेक इन इंडिया वाज रियली स्केरी। माय एक्ट वाज अप नेक्स्ट। होप एवरीवन इज आउट सेफ एंड साउंड। वैसे राहत की बात ये रही कि इस भयंकर आग से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। तीस खबरें फटाफट। खबरों की माने तो संजय दत्त की जेल से वापस आने के बाद उनकी फिल्म शेर रिलीज हो सकती है। सोर्सेस की माने तो संजय दत्त ने इस फिल्म की शूटिंग जेल जाने से पहले ही कंप्लीट कर ली थी, लेकिन फिल्म के मेकर्स ने फैसला किया था कि वो संजय दत्त की जेल से बाहर आने के बाद ही इस फिल्म को रिलीज करेंगे। संजय दत्त की फिल्म शेर ईद 2016 के आसपास रिलीज हो सकती है। तीस खबरें फटाफट। उदय चोपड़ा सोशल मीडिया पर रहकर एक्ट्रेस नरगिस फकरी के लिए अपना प्यार दिखाते रहते हैं और अब एक बार फिर उदय ने अपनी सोशल मीडिया पर नरगिस के लिए एक पिक्चर जारी करते हुए लिखा है कि ऑन वैलेंटाइंस डे आई इवन स्वेट हार्ट्स फॉर यू एट नरगिस फकरी। साफ है उदय चोपड़ा का सोशल मीडिया पर नरगिस के लिए प्यार अभी कम नहीं हुआ है। तीस खबरें फटाफट।